संसद स्मोक कांड में पुलिस के एक्शन को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जहां 6 राज्यों में संसद स्मोक कांड की जांच का दायरा बढ़ चुका है और आरोपियों के घरों तक जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए टीम्स पहुंची हैं, आरोपियों के घर से अब सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। तो संसद स्मोक कांड को देखते हुए जिस तरीके से मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, TV9 भारतवर्ष एक एक जानकारी आपको दे रहा है कि आखिर किस तरीके से अब जांच का दायरा अलग अलग राज्यों तक पहुंच गया है और स्मोक कांड मामले में पुलिस की टीम 6 राज्यों में जिस तरीके से जांच कर रही है, उसी का ये एक बड़ा अपडेट आपके सामने ये बताने के लिए कि आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर ये जांच अब हो रही है। तो 6 राज्यों तक स्मोक कांड की जांच को देखते हुए बड़ी खबरें, जहां राजस्थान, हिसार, हरियाणा, मैसूर, लखनऊ, पश्चिम बंगाल, लातूर, महाराष्ट्र। अब ये जान लीजिए कि इस जांच के दायरे को देखते हुए राजस्थान में क्यों आपकी टीम्स मौजूद है। राजस्थान वो जगह जहां पर ललित झा भागा, वो जगह जहां पर ललित झा ने बाकी आरोपियों को भी पनाह दी, वो जगह जहां पर ललित ने फोन्स को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि हिसार, हरियाणा में भी लगातार गतिविधियां, इसीलिए क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरीके से इन सभी के एकजुट होते हुए मुलाकात की खबरें आई, लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन यहां पर भी की जा रही है। मैसूर, लखनऊ और साथ ही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जहां पर ये आरोपी पहुंचे, यानी अभी तक जांच का दायरा जिस तरीके से जिन तक पहुंचा था, हमारे सहयोगी ने बताया नीलम के घर से किस तरीके से दस्तावेजों को खंगाला गया है। लखनऊ जहां पर सागर रहता है, वहां से भी टीम्स लगातार तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र, लातूर जहां पर एक आरोपी रहता है, उस तक पहुंचने के लिए यह जानना जरूरी था कि आखिर उसकी गतिविधियां पिछले एक साल में क्या रही है। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल वो जगह जहां ललित का सहयोगी उसके कॉन्टैक्ट में आया, ललित ने अपने सहयोगियों को संसद का ये वीडियो दिया और इस वीडियो को देखते हुए उसने वीडियो के आधार पर अपने सहयोगी के साथ क्या बातचीत की, यही फोन कॉल डिटेल्स के जरिए भी जानने की कोशिश की गई है। तो 6 राज्यों तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों की जा रही है, यही हमने आपको बताया। लेकिन स्मोक कांड 6 राज्य तक जांच की आंच को देखते हुए बड़ी खबरें यह है कि पुलिस ने जांच के लिए 50 टीमें बनाई हैं और 6 राज्यों में सबूत की तलाश हो रही है। आरोपियों के घरों में जाकर जांच की जा रही है, बैंक डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, बैंक अकाउंट में आए फंड की जांच की जा रही है, क्योंकि इनको फंडिंग कहां से होती थी, किसके जरिए होती थी, मकसद क्या था, यह जानना जरूरी है। इस बीच स्पेशल टीम संसद स्मोक कांड की जिस तरीके से जांच कर रही है, आरोपियों की जांच के लिए स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट्स को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी दी गई है। डिटेल इस बारे में आपके सामने, क्योंकि ललित झा को लेकर जिस तरीके से अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसी के तहत खबरें भी सामने आई है। जांच का जिम्मा जनकपुर स्पेशल सेल के पास है ललित झा को देखते हुए। ललित झा की गतिविधियां क्या रही हैं, आखिर क्यों इसने फोन्स को डिस्ट्रॉय किया। ललित कुछ दिनों के लिए फरार था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद इसने जो खुलासे किए उससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से प्लान ए और प्लान बी के आधार पर ये पूरी प्लानिंग की गई। नागौर से फोन बरामद किए जाने को लेकर भी बड़ी खबर आई। नीलम जिन तक TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची, जांच का जिम्मा जिस लिहाज से है, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के पास जांच का जिम्मा दिया गया है नीलम को देखते हुए, स्पेशल टीम भी जांच में जुटी हुई है। इसकी बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश की जा रही है और इसके फोन की तलाश भी है। हालांकि ललित और नीलम के साथ साथ जिस तरीके से ये देखा गया है कि नीलम के घर से किताबें बरामद की गई हैं, ये जानना जरूरी था कि आखिर ये किस किस के कॉन्टैक्ट में रही है। अब सागर शर्मा जांच के जिम्मे के तहत दक्षिण दिल्ली रेंज की स्पेशल टीम जिस तरीके से सागर को देखते हुए जांच कर रही है, टीम लखनऊ भी पहुंची है और लखनऊ में सागर को देखते हुए जो डायरी बरामद की गई थी इसके घर से, उसमें क्या कुछ बरामद किया गया है उसे एनालाइज किया जा रहा है। यहां तक कि घर वालों से भी सागर के पूछताछ लखनऊ में की गई है। और इस बीच लोधी रोड स्पेशल टीम के पास मनोरंजन को लेकर भी जांच की जिम्मेदारी मिली है। मनोरंजन की क्या भूमिका रही है उसी को देखते हुए यह जानना समझना जरूरी है। मैसूर अब टीम पहुंच गई है, घर वालों से इसके पूछताछ की जा रही है, इसकी गतिविधियां क्या रही हैं यह जानना जरूरी है। अमोल शिंदे दिल्ली स्पेशल टीम के पास, अमोल को देखते हुए जांच का जिम्मा है। लातूर पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र के लातूर पहुंची टीम माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। अमोल किस किस के कॉन्टैक्ट में था यह जानना बहुत जरूरी है और कॉन्टैक्ट में रहते हुए अमोल ने किस तरीके से अपने माता पिता को दिल्ली आने से पहले कोई जानकारी दी या नहीं, उसी आधार पर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं।